मैं भी आपसे एक रिग्रेट अपना शेयर करता, जो मैं अक्सर यूथ को कहता भी हूँ कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है, ऑल दो आई एम नथिंग अगेंस्ट दिस सिंगर, ऑल आई विल से इज के मे अल्लाह मेक हिम डू बेटर थिंग्स, आतिफ असलम की बात कर रहा हूँ, बड़ा फेमस अभी भी है लेकिन उस दौर में एकदम से इसको फेम मिली थी 2006-07 की, आई थिंक 6 की बात है, मे बी लाहौर में कॉन्सर्ट था, आई थिंक DHA फेज़ 8, बहुत कोई ऐसी जगह थी जो आइसोलेटेड, बहुत ना पैदल चल के हमें जाना पड़ा, तो गाड़ी हमने बहुत पीछे खड़ी की और लिटरली मुझे याद है कि मैं कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल पागलों की तरह चला, भागे हम कि ना हमें बस आगे जगह मिल जाए, किसी तरह आते हुए हम चेहरा मुबारक जो है वो देख ले कि मैं आज कहता हूँ यार व्हेन आई लुक बैक रियली दिस इज़ समथिंग जिसपे मेरा रिग्रेट होता है कि यार इतनी मेहनत करके इतना मतलब ऑब्सेशन के साथ हम गए। तो आई थिंक के समटाइम्स वी गेट ऑब्सेस्ड विद रॉन्ग थिंग्स, अगेन आई विल से नथिंग अगेंस्ट दैट सिंगर, मेरी उसके लिए दुआएं ही हैं और एक ही डज बेटर थिंग्स, बट एक तो ये, दूसरा फड्डों की बात करें तो आई वॉज समवन के जो दूर रह के बस देखता था। अच्छा, तो अक्सर वो एक बार तो आप लग रहा था फड्डेबाज लग रहे देखिए मेरे दोस्त बहुत थे फड्डेबाज आई मस्ट से, और करते थे बहुत ज़्यादा करते थे छोटी छोटी बातों पे, तो मुझे साथ ले जाते थे, तो मैं अक्सर बस खड़ा होता था, वो अलग बात है कोई मुझे आके कोई मार दे तो फिर वो कुछ और शुरू हो जाता था, लेकिन ये कि कई बार वो ये कहते थे कि भाई क्या खड़ा कर रहा है, देख क्या रहा है, आ तू भी आ, तो आके मैं थोड़ा सा अपना पार्ट कुछ कर देता था जब वो पल रहा भाड़ी हो। तो आई थिंक ये भी एक रिग्रेट है कि देखें सीइंग समथिंग इवल एंड नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप इट जस्ट बिकॉज आपके दोस्त कर रहे हैं, तो ये भी मेरा एक बड़ा रिग्रेट है कि आई हैव डन सच थिंग्स, अल्लाह माफ़ करे, दोस्तों के चक्कर में आके कि जी ये मेरा दोस्त है इसके साथ जाती है, तो अब पता नहीं हुई है कि नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो मेरा दोस्त है तो मैं भी जो है वो इस फड्डे में जाऊँगा, हालांकि दोस्ती तो असल ये है कि अपने दोस्त को गलत चीज़ से आप रोकते हो, ये अलग बात है वो रुके ना रुके ये तो उनका हेडेक है, मसला अगर वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा आपके ओपिनियन की, वो कहता है जी तुम्हें क्या पता, तो फिर इसका मतलब आपका दोस्त ही नहीं है, यू हैव चोजन द रॉन्ग फ्रेंड्स, तो गलत दोस्ती जो है ना मैं समझता हूँ उसने बड़ा हार्म किया है बहुत। और टीनेजर्स को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि लुक आउट किसके साथ आप अटैच, तो मैं नहीं समझता हर बंदा, हम ये नहीं कह रहे हो गंदे लोग हैं, मैं तो समझता हूँ हर बच्चे में पोटेंशियल होता है टू इम्प्रूव, खैर होती है, लेकिन ये कि सम टाइम्स पीपल गो ओवर द लाइन, तो उनको आई थिंक यू शुड लीव या यू शुड स्टेप बैक या उन्हें समझाओ टू से द लीस्ट, एटलीस्ट समझाओ कहीं लाओ, तो ये दो चीज़ें मुझे याद आती हैं। और आज के जो फड्डे अरसलान भाई हो रहे हैं, खून खराबा एग्रेशन शायद हमारे उसमें इतनी नहीं थी कि नहीं थी। सर फाड़ दिया जाए, हॉकी ले आते हैं फौरन से, इवन वो ले आते हैं पिस्टल ले आते हैं, पिस्टल ले आते हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो ये भी मैं चाहूँगा इस पर भी आप कोई प्लीज़ एडवाइस करें कि वेयर आर दे हेडिंग टू, बड़े बड़े स्कूलों में फड्डे देख, बड़े बड़े स्कूल में ये होता जा रहा है, आई थिंक एक तो बिकॉज मुआशरे में वैसे ही जो है ना वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, वो भी है, तो वो वेंट आउट आपको उस तरह नजर आती जा रही है, एंड देन आई थिंक ओवर द ईयर्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी फ्रॉम अ वेरी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पीपल हैव रियलाइज कि देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस कंट्री, तो वो बिकॉज इकोनॉमिक पावर द रिचर गेटिंग रिचर, वो एक तबका है आपको जो ज्यादा ये चीज करते नजर, किसी लॉयर का MNA का बेटा है वो फिर वो मार दिया ये कर दिया, एंड ह्यूमन लाइफ अपनी वैल्यू वैसे ही थर्ड वर्ल्ड में और पाकिस्तान खो चुकी है, सही। एक वो पार्ट है, लेकिन वो जो आपने पहले बड़ी जबरदस्त बात की जो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का मफहूम याद आ गया, आपने फरमाया ना कि सेव द ओप्रेसर और द ओप्रेस्ड, और उसावर ने ताज्जुब किया कि रसूल आप ये क्या बात कर, ये बड़ी मशहूर जाहिली सेइंग थी, तो आपने फरमाया कि यानी जो तो ओप्रेस हो रहा है उसको तो तुमने बचाना है उस ओप्रेशन से, जो ओप्रेसर है उसको भी बचाना है, उसको ये एहसास दिला के कि दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड बी डन, सो वो जो आप कहते हैं कि यानी हमारे यहाँ दोस्तों को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि खराब काम में साथ दिया जाए, दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप अच्छी बात करो, अच्छी तलकीन करो, सारा कुछ वो करो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अली भाई इतना मुश्किल है, बल्कि एक वो अभी हमारे स्कूल में बच्चा है, हो सकता है वो सुन भी रहा हो, तो वो मेरे पास ही था, बड़ा अच्छा बच्चा है, एंड ही सेड सर मैं क्या करूं कि जब सारे दोस्त ही बुराई की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो आप लोगों के सेशंस में आता है, मेरे पास भी आता है, बड़ा आप लोग रेगुलरली आता है, तो आई सेड तुम कहता है कि नहीं पूरी क्लास एक तरफ है, गालियां भी दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है, एंड वो है, तो मैंने उसको फिर समझाने, उसने कहा, मैंने अपने पेरेंट्स को भी समझाया, तो वो कोई इतना चाहते नहीं है कि मैं किसी एसोसिएशन से जो है वो, तो इट्स हार्ड फॉर मी बिकॉज द पीयर प्रेशर इज गेटिंग टू मी,
नाउ दिस इज अ किड हु रियली नीड्स हेल्प, बिकॉज वो खैरख्वाही वाली बात कहने वाले लोग बहुत कम रह गए. सही बात. बिकॉज उर्फ आम ये है कि अगर आप जुमले में गाली नहीं देंगे आप कूल ही नहीं है. ठीक है, यू विल बी कॉल्ड आउट. आई थिंक मेरी आपकी एज पे पीयर प्रेशर का ना इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट ये 15 की एज पे तो पीयर प्रेशर गेट्स टू यू इन सच एन इनसेनली, क्या कहते हैं वो सेंस कि वो पार्ट है. लेकिन वो आपने जो बात की थी ना कि ऐसे इदारे ऐसी जगह इफ नॉट इन द स्कूल शाम में होनी चाहिए जहाँ यू आर क्या कहते हैं टोल्ड द अदर स्टोरी, जहाँ आपको तो आपकी आइडेंटिटी उससे स्टेम कर रही है. सही, राइट. बिकॉज आइडेंटिटी जब बच्चे की मेन स्ट्रीम स्कूल के कल्चर से स्टेम कर रही है तो वो मार जाएगा. और तो मैं आपको बताऊंगा, हमने माशाल्लाह टीन शो शुरू किया यूथ क्लब के प्लेटफॉर्म से, बहुत अच्छी फीडबैक आई एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि वो एग्जैक्ट वही ऑडियंस देख रही है जो हम चाहते हैं जिन्हें दिखाना, ए लेवल के स्टूडेंट्स, ओ लेवल. मुझे कई ईमेल्स आती हैं कि सर वी वांट टू कम, वी वांट टू वॉइस आवर ओपिनियन. तो मैं कहता हूँ बिल्कुल इंशाल्लाह वी विल कॉल यू, मोस्ट वेलकम. तो उसमें आपने देखा है मैं बच्चों को ही बुलाता हूँ, टीनेजर्स को. मैं कहता हूँ शेयर करो व्हाट्स गोइंग ऑन, तुम्हारी क्या शिकायत हैं वगैरह. तो उसका एक बड़ा माशाल्लाह जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मुझे देखने को मिला. तो अरसान भाई, जस्ट सम लास्ट फ्यू थिंग्स जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा. रैशनेस की बात करें तो देखें, रैश ड्राइविंग, इसमें मुकाबले करना, फिर अपनी जान को नुकसान पहुंचा लेना, फिर एग्रेशन में फड्डे करना, उसमें नुकसान को उठा लेना, एक्सपेल हो जाना वगैरह वगैरह, ये सारे इश्यूज को लेके. अरसान भाई, मैंने भी देखा है कि बच्चों को हम ट्रिप्स पे लेकर गए, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, रीजनेबल फैमिलीज, लेकिन ये कि जब दे गेट टुगेदर एक कमरे में तो फिर वो एक भूत सवार हो जाता है. हालांकि वो बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन आई थिंक कि वो जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसमें मजाक होते 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 एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, वहां पे शैतान जो है ना वो हावी होता है. यहाँ पे ना मैं पता है बच्चों क्या मिसाल देता हूँ, सूरह कलम में एक वाकया है, अरसलान भाई आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोग जिनके बागात थे कुछ, वो यतीमों को और इनको मस्कीनों को कुछ नहीं देते थे उसमें से शेर, और बड़ा प्राउड थे अपने बागात पे. तो उनमें से एक जो था ना उस सारे सर्कल में, वो थोड़ा सा खुदा खौफी वाला, वो कहता था यार ऐसे ना किया करो, ये अच्छा नहीं है, मतलब उसको रिग्रेट होता था, वो रिमाइंड कराता रहता था उन्हें. लेकिन हुआ क्या, उन्होंने नहीं मानी, तो अगले दिन जो है वो अल्लाह कहते हैं हमने अपनी फौजें भेजी है, एवरीथिंग वॉज डस्ट. तो आई थिंक के इस सारे उसमें फ्लो में जब वो भूत सवार हुआ हुआ है, तो अगर एक भी खड़ा होके ये कह देता ना कि नहीं यार ये गलत है, तो आई थिंक कि वो ही ब्रेक्स द चेन, और बड़ा इससे जो है वो फर्क पड़ता है. व्हाट डू यू थिंक? मैंने तो यही देखा. हाँ नहीं, आई थिंक डेफिनेटली, और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना, आई थिंक एज अगेन एल्डर्स इन वन सेंस हमारा काम है. और वाकई ये है कि कभी कभी जो है ना, यानी मिसाल के तौर पे कभी कोई कमरे में भी कॉन्वर्सेशन कर रहा है ना, जो कि आई थिंक वी ऑल फॉल प्रे टू दैट, और एक कह दे कि नहीं यार ये गीबत है, मैं ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, एंड देन ही मे बी इवन लीव्स. Everybody at the end does realize कि एक ये चीज़ है, और वो आई थिंक वो हक की बरकत है. सही, राइट, कि हम उस चीज़ को कह सकें, उस चीज़ को जब वो कर सकें. सिर्फ हाँ उसमें एक पार्ट जो है कि वो मैं फिक्र ऑफ दावा पढ़वा रहा होता हूँ बच्चों को, तो मैं कि द वे यू से थिंग्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपकी स्पिरिचुअल इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट होना चाहिए, कि हमारे यहाँ एक लोगों में वो तमीज़ भी नहीं है कि एट टाइम्स वी विल कॉल आउट पीपल और से थिंग्स विच आर राइट बट सेड इन अ रॉन्ग मैनर, राइट. तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम वो जिसको कहते हैं कंपैशनेट ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, कि एक तरफ आपको कंपैशन भी दिखाना है बट येट यू हैव टू मेक श्योर कि इतना कंपैशनेट ना हो जाओ कि दीन की इमेज ही तबाह हो जाए, यू हैव टू मेंटेन द ऑर्थोडॉक्स वर्जन. वो चीजें बड़ी वो है. अच्छा, और अली भाई मैं आपको ये कहूंगा कि अगेन अफसोस ये है ना कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, एंड मैं उसको बिलिटल नहीं करना चाहता, ये पैच वर्क है, राइट. ये नहीं कि वो आप मरम कर रहे हैं जो सारे दिन की तबाही होती है. असल में तो आपके मेन स्ट्रीम इदारों में ये पढ़ाया जाना चाहिए चीजें, वहाँ पढ़ाते नहीं. इफ इस्लामियत इज बिन डम्ब डाउन टू अ सब्जेक्ट जिसमें तोते की तरह चार चीजें रटा दो, वही अच्छा, वो तोते की तरह रट के भी मसला एट द एंड ऑफ द डे ना उसका अकीदा क्लियर है, यानी उसको खुदा के वजूद पे सवाल है, उसको तकदीर का मसला नहीं पता, ना उसको नबी ससम की जिंदगी से कोई इंस्पिरेशन मिली, तो क्या पढ़ा रहे हैं हम? लिप सर्विस है ना, राइट. हम हर चंद सालों बाद करिकुलम तब्दील करने की बात करते हैं, किताब पढ़ाने वाले ही नहीं मौजूद, राइट. यानी मैं अगेन नॉट, अभी वो जो एक हमारा कुछ अर्से पहले डिसीजन हुआ था कि जी कुरान हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, बहुत अच्छी बात है, मेरे आपके जैसे लोग शायद उसको सराहेंगे. आप मुझे, आपको लगता है कि इस वक्त लाहौर की बात कर लें, इतने कुरान पढ़ाने वाले ऐसे मौजूद हैं जिनसे यूथ रिलेट कर पाए. देयर इज अ डर्थ ऑफ दीज पीपल इज वेल, जो अवाम में, लोगों में जो है ना क्या कहते हैं बैठ सकें, समझ सकें. वो